सोलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ले सकते हो अनलिमिटेड डायमंड। कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस, ये तो मजाक हो गया, ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना लेवल बहुत तेजी से जल्दी जल्दी से ज्यादा कैसे कर सकते हो, ठीक है, और कैसे कर सकते हो आप अपना लेवल 70+। क्या? सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। सो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं तीन स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है, और उनमें से जो थर्ड स्टेप होगा गाइस वो बहुत ज्यादा इजी होगा, जिसमें आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की ओर। उसमें गाइस आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। गाइस आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप दिन में कितना अगर गेम खेल लेते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा गेम खेल लेते हो, लेवल अप करने के लिए आपको ज़्यादा गेम तो खेलना ही पड़ेगा, ठीक है। और गाइस आप मुझे एक बात बताओ कि आप रैंक में ज़्यादा खेलते हो या क्लैश स्क्वाड ज़्यादा गेम खेलते हो? अगर आप रैंक में ज़्यादा खेलते हो तो गाइस अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप क्लैश स्क्वाड गेम ज़्यादा खेलते हो तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्लैश स्क्वाड में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा या रैंक मैच में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा? ऑब्वियसली बात है कि रैंक मैच में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। और क्लैश स्क्वाड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना अगर एक्सपीरियंस मिलेगा, 100 200, मुश्किल से गाइस 300 एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप रैंक मैच पूरा एंड जोन तक खेलते हो तो 800 एक्सपीरियंस मिलता है। और वही आप अगर थर्ड जोन तक या फिर सेकंड जोन तक खेलते हो तो आपको 500 700 एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है गाइस। तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप क्लैश स्क्वाड से ज़्यादा रैंक मैच खेल सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर। गाइज ये स्टेप न्यू प्लेयर्स के लिए है, ठीक है। अगर आप भी एक न्यू प्लेयर हो तो आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप एक पुराने प्लेयर हो, अगर आपको ये बात पता है तो गाइज सॉरी, ठीक है। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि गेम में 2 XP कार्ड होते हैं, ठीक है, एक 50% EXP कार्ड, एक 100% EXP कार्ड। सो गाइज जो 50% EXP कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको गेम में 50% ज़्यादा EXP मिलता है, और अगर आप 100% EXP कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 100% ज़्यादा EXP मिलता है, और अगर आप 100 और 50 दोनों का इस्तेमाल करते हो तो दोनों का ही XP आपको मिलता ही मिलता है। गाइज कुछ लोगों को ये बात पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता था वो उनको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और गाइज ये दोनों कार्ड स्टोर में अवेलेबल है और गिफ्ट स्टोर में भी अवेलेबल है। और गाइज जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि गाइज ये गिल्ड में भी 6 हफ्ते में गाइज आपको एक दिन फ्री में मिल जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि गिल्ड ज्वाइन कर लेनी है, उसमें आपको वीक में एक दिन आपको ये मिलता है, ठीक है, और 6 दिन के लिए आपको ये मिलता है। और गाइज अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। और गाइज ये वो स्टेप है जो कि गाइज आपको लेवलअप करने के लिए बहुत ईजी है, ठीक है, और आप बिल्कुल इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं है। और गाइज ये स्टेप जो है ये रैंक मैच और क्लासिक मैच दोनों में है, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये क्लासिक मैच करो। क्यों करो मैं आपको वो आगे बताऊँगा, ठीक है। गाइज आपको क्या करना है कि क्लासिक मैच स्टार्ट कर देना है और बहुत दूर जाकर बैठ जाना है, ऐसी जगह में बैठ जाना है जहाँ के आपको कोई ढूंढना पाए, ठीक है। उसके बाद आपको गेम बैक कर देना, और जिस समय आप गेम बैक करोगे आप उस समय कुछ भी कर सकते हो गाइज, यूट्यूब चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाद में आप रिकनेक्टिंग करके फिर से गेम खेल सकते हो, और वहाँ पर जहाँ पर आप होंगे वहाँ से आप आगे खेल सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ जब भी आप गेम खत्म होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा EXP मिल जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। और अगर रैंक मैच में मैं इसलिए गाइज आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि रैंक मैच गाइज बहुत से बंदे सर्वाइव करते हो, वहाँ पर आप सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो गाइज यही था आज का वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।